विवियन रिचर्ड ने भी वहां पर वैक्सीन गई तो तारीफ की। विश्व के ऐसा कोई देश नहीं है जो आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व की तारीफ नहीं कर रहा हो। अब दिक्कत तो एक्चुअल में इन्हीं लोगों को हो रही है जो कांग्रेस को रसातल में ले जा रहे हैं, अभी भी नहीं सुधर रहे, थोड़ा इंतजार करें। कल ममता जी व्हीलचेयर पे थी, शाम तक सर ये कह रही है घायल से नहीं। दीदी का पांव टूटा था या प्लास्टर झूठा था समझ नहीं आया। और दीदी वो डॉक्टर जो 24 घंटे में हड्डी जोड़ देता है, प्लास्टर को काट के क्रेप बैंडेज पे ले आता है, उस डॉक्टर की देश को बड़ी जरूरत है। बहुत लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, उसका मार्गदर्शन तो आप टीवी के माध्यम से बाकी डॉक्टरों का करवाओ। ये पॉलिटिकल पाखंड है और कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, मैं आज पश्चिम बंगाल से आ रहा हूं, सब लोगों को समझ में आ गया है कि ये राजनीतिक पाखंड है वो जो कर रही है, जनता अच्छी तरह से समझ गई। सर ये भी बोल रही है घायल शेरनी से, अब ये खतरनाक शब्द का प्रयोग करके किसको डराना चाहती हैं दीदी? घायल बाघिन क्यों हो रही हैं वो? हमारे तो 134 कार्यकर्ता पहले ही शहीद कर दिए, क्या आदमखोर होने की तरफ है क्या ये इशारा? विवियन रिचर्ड ने भी वहां पर वैक्सीन गई तो तारीफ की। विश्व के ऐसा कोई देश नहीं है जो आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व की तारीफ नहीं कर रहा हो। अब दिक्कत तो एक्चुअल में इन्हीं लोगों को हो रही है जो कांग्रेस को रसातल में ले जा रहे हैं, अभी भी नहीं सुधर रहे, थोड़ा इंतजार करें। कल ममता जी व्हीलचेयर पे थी, शाम तक सर ये कह रही है घायल से नहीं। दीदी का पांव टूटा था या प्लास्टर झूठा था समझ नहीं आया। और दीदी वो डॉक्टर जो 24 घंटे में हड्डी जोड़ देता है, प्लास्टर को काट के क्रेप बैंडेज पे ले आता है, उस डॉक्टर की देश को बड़ी जरूरत है। बहुत लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, उसका मार्गदर्शन तो आप टीवी के माध्यम से बाकी डॉक्टरों का करवाओ। ये पॉलिटिकल पाखंड है और कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, मैं आज पश्चिम बंगाल से आ रहा हूं, सब लोगों को समझ में आ गया है कि ये राजनीतिक पाखंड है वो जो कर रही है, जनता अच्छी तरह से समझ गई। सर ये भी बोल रही है घायल शेरनी से, अब ये खतरनाक शब्द का प्रयोग करके किसको डराना चाहती हैं दीदी? घायल बाघिन क्यों हो रही हैं वो? हमारे तो 134 कार्यकर्ता पहले ही शहीद कर दिए, क्या आदमखोर होने की तरफ है क्या ये इशारा?